नमस्ते दोस्तों, इस वक्त मैं पुणे बेंगलोर हाईवे से तकरीबन 2 किलोमीटर दूरी पर और मेरे घर से 27 किलोमीटर दूरी पर देवगिरी गांव में पूरा खेती देख सकते हैं आप। और यहां पर एक घर है जो खेत में बंधा हुआ। आज का ये चौथा साहब और मेरे साथ वो लोग हैं जिन्होंने मुझे बुलाया था, नागराज पाटिल ना, नागराज पाटिल। हाँ, तो इनके यहाँ पर ये कैंसिल के चलते बाद में उठाएंगे इसको। तो दोस्तों, अभी उनके हाथ में मैंने कैमरा दिया है, घर में साफ है, देखते क्या होता है, क्योंकि उन्होंने पहले फोटो में भेजा था भर ले। ये देखो इतनी आसानी से, मैं थोड़ा हाथ में कैमरा लेकर दिखाने की कोशिश करूँगा, जिन्होंने अभी फोटो भेजा था इसका। ये देखिए बड़ी आराम से शांति से यहाँ पर बैठा हुआ है और बहुत ही बड़ा सा यहाँ पर ये लोग रहते हैं। मैं लगभग 10 मिनट हुए थे घर में जाकर, देसूर फार्म हाउस वहाँ पर भी खेत में घर था। उसके बाद ब्रह्मनगर पत्थर के नीचे इसका वीडियो हमने बनाया है। पता नहीं सब वीडियो हम डाल पाते कि नहीं, क्योंकि हर रोज अगर 4-5 वीडियो बनते, क्योंकि अपने दोपहर के लगभग 4 बज रहे ना, तो 4 साहब पकड़ के हुए। मेरे मिसेज ने एक ही पकड़ा है, एक जगह पर नहीं मिला, 2 जगह कॉल पर हम नहीं गए और मैं 3रा साहब पकड़ चुका हूँ। और ये आसानी के साथ यहाँ पर मिलेगा। बहुत ही बड़ा नाग आके कैसा डर के सहम के उधर बैठा हुआ है। यहाँ पर बहुत सारी बातें भी करनी है साथ, पहले सांप पकड़ेंगे। और एक कॉल मेरे मिसेज को आया है, वहाँ पर वो लोग पढ़े लिखे हैं जो बहुत ही डरे हैं, उनके साथ मुझे 8 मिनट बात करना पड़ा। तो क्योंकि वो डरे थे तो डर के सही में क्या बोलना है, क्या समझ रहे हैं, उस पर प्रॉब्लम आ जाता है और हमें वो प्रॉब्लम आ जाता है। लेकिन यहाँ पर उन्होंने फ़ोन किया, खेत में गाँव में रहने वाले लोग हैं, इन्होंने बस मैं 10 सेकंड बात करने के बाद फोटो भेजा। फोटो भेजने के बाद भी मैंने इनको फ़ोन किया और बीच रास्ते में मुझे एक बार भी इन्होंने टॉर्चर नहीं किया। मैं तो 100 स्पीड से, मैं कहना नहीं चाहिए, बल्कि सांप पकड़ने से भी गाड़ी ज़्यादा खतरनाक होती है। सांपों की मर्यादा हमें पता है, लेकिन गाड़ियों की मर्यादा पता नहीं, लिमिट नहीं है, क्योंकि दूसरे भी हमें ठोक सकते हैं। तो सिर्फ सांप पकड़ने खतरनाक नहीं होता, ये भी ध्यान रखना ज़रूरी है। और जो हम पूछते हैं यही काम कर रहे हैं, सांपों को बचाना फर्स्ट प्रायोरिटी है, प्राधान्य उसी को देते हैं और आपका डर भी दूर हो सके हम चाहते हैं। लेकिन सांप किधर है, क्या है, वो मिलेगा कि नहीं, ये सब खंगालना पड़ता है। अब जितनी शांति से बात करेंगे उतना ही हम आपके साथ कन्वेंस हो सकते हैं। और इसलिए आप जब लोग जो हमें फ़ोन करते हैं, सही मुद्दे में हमें 3 मिनट लगते हैं, लेकिन वो डर जाते हैं तो अलग अलग प्रकार की बातें करते रहते हैं। अभी जो हमें सांप पकड़ने के बुलाया था, उनके साथ में 8 मिनट बात किया, 4 मिनट के बाद वो पूछ रहे कि आप सांप पकड़ते कि नहीं, ऐसा बोल रहे हैं। मतलब उनको क्या बोल रहे समझ में नहीं आ रहा था, क्यों, क्योंकि डरे हुए हैं। तो पहले आप सांप देखने के बाद डरिए मत। हमें अगर आप फोन कर रहे हैं तो सांप उधर आने के बाद रहता है कि नहीं, भाग जाएगा क्या, उधर हम आ रहे हैं तो दूसरा कॉल चुक सकता है, इसका सब ध्यान रखना पड़ता है। क्योंकि सांप, जब तक सांप हाथ में नहीं आता तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता। ये सांपों को बचाने का मिशन है, साथ ही में लोगों को अवेयरनेस, मतलब उसके बारे में जानकारी देनी है ताकि डर दूर हो सके। और डर दूर हो सके होने के बाद ही सांप क्या है, पर्यावरण क्या है, इंसान क्या है, डर क्या है समझ में आएगा। डर दूर करने का एक रास्ता मैं मानता हूँ सांप को पकड़ना, नहीं तो सांप मैं लेके जाने से कुछ नहीं होता। यहाँ पर मैं सांप पकड़ूंगा वो दूसरा नहीं आएगा, ये भी नहीं कह सकते। लेकिन सांप क्या है रियल में, देखो इतना बड़ा सांप है हमारे घर में, आस पड़ोस में जिंदगी निकालता है, हमें डरना चाहिए। हमारा हाथ पांव उसके ऊपर पड़ता है, छोटे बच्चे रहते हैं, हाथ पांव पड़ेगा तो काटेगा, कुछ सामान है, खेती का अनाज है, वहां पर हाथ पांव डालने से आते जाते वक्त रास्ता मुश्किल रास्ते रहते हैं, तो उस वक्त टॉर्च लेके जाना चाहिए। ये बातें ध्यान में रखनी जरूरी है, क्योंकि हमने सांप अभी आपने देखा तो हम पकड़ रहे, हम थोड़े ही आपको सांप आएगा तो फोन करेंगे। कहने का मतलब यह है सांप देखने के बाद बिल्कुल मत डरिएगा, क्योंकि आप बच गए हैं, अभी सांपों को बचाने की बारी है। क्योंकि सांप देखने के बाद उसके ऊपर कोई पांव नहीं रखेगा, इस दुनिया में सांप ने काटा है नहीं, देखने के बाद, देखने के बाद आपको ऐसा समझना चाहिए कि बुरी घटना हो सकती है, हो सकती थी, वो टल चुकी है। अभी हम आसान है कि हमने सांप देखा, पांव वगैरह नहीं रखा, उसके बाद बिना डरे हुए सब कुछ। अगर कोई छोटा बच्चा है, बूढ़ी औरत है, कोई पढ़े लिखे लोग नहीं है, तो वो भी इस बात को समझकर हमें फोन कर सकते हैं और जो हम पूछ रहे हैं उसका सही में जवाब देंगे तो हमारा उनका वक्त बच जाएगा और सही व्यक्ति व्यक्ति को हम सर्विस दे पाएंगे। बहुत सारी बातें करनी है। सांप पकड़ कर बात करने से मैं समझा कि पहले ही बात करूं, क्योंकि इन्होंने तो मुझे बिल्कुल टॉर्चर नहीं किया। सबसे बड़ी बात वही है, क्योंकि 1000 लोगों में एक आदमी ऐसे होते हैं जो हमें टॉर्चर नहीं करते, आप किधर है, कितने मिनट में आ रहे हैं, जल्दी आएंगे कि नहीं। कुछ लोग तो बोलते हैं 10 मिनट में आओगे तो मारेंगे, ये सब जो है हमें प्रॉब्लम आ जाते हैं। हम आप नहीं बोलेंगे तो स्पीड ही आते हैं,
लेकिन हमें जिंदा रहना है, सांपों को जिंदा रखने के लिए ये भी ध्यान रखना पड़ता है। सांप आसानी से मिलेगा ऐसा लग रहा है, देखते हैं स्टिक का इस्तेमाल करके हम उसको पकड़ रहे हैं। नजदीक ले लिया कैमरा, बंद रखना है, रखने वाला नजदीक हो, इधर इधर से हो। पीछे कितना बड़ा नाक, इधर नजदीक आओ, आप पीछे हटो, पीछे इधर दिख रहे ना, ये उंगली में डालो इधर, ताकि दर्शकों को हम अच्छी तरह से दिखा सके कितने बड़े बड़े नाग हमारे आस पड़ोस में रहते हैं। ये अभी टच हुआ नहीं, आवाज करने लगा, बहुत ही बड़ा, बहुत ही हेल्दी सांप, बहुत ही सुंदर सांप, देख सकते कितना हेल्दी कितना बड़ा है। अभी आपने बोला है इसलिए स्टिक पकड़नी पड़ती, नहीं तो हमें इसको पकड़ने का मोहर जो है हाथ से पकड़ते है। इतना बड़ा सांप है, देख सकते है बहुत ही बड़ा सांप और बहुत सुंदर, उतना ही मुंह उसका छोटा है। किस तरह से मेरे ख्याल से बहुत कुछ खाया हुआ भी लगता है ये, और कितना हेल्दी है, और इतनी ये सब अपनी जिंदगी इस यहाँ पर गुजार चुका है। थोड़े से उजाले में आएंगे, 15,000 सांपों में तो ऐसा नहीं हुआ है। तो सांप पकड़े हाथ में है उसके बाद वो नहीं करता, यही तो हम अभी वीडियो में दर्शकों को भी वही बताना चाहते हैं। ये जो आपका डर बैठा हुआ है इतना खतरनाक नहीं है, देखो कितना बड़ा सांप आपके घर में आके बैठ जाते हैं, जिंदगी निकाल रहे हैं हम डर रहे। थोड़ा सा पीछे का भी माहौल देखिएगा, इधर सामने से जब मैंने वीडियो शुरू किया था मेरी गाड़ी लगाई है और यहाँ पर थोड़ा घुमाई कैमरा में जो बोल रहा हूँ धीरे से, ये पूरी खेती देखो, ये देवगिरी गांव है, गांव से तकरीबन आधा किलोमीटर का फासला ही है और खेत में इनका घर बन रहा है। कितने साल से अब इधर है, कितने वर्ष है, देखो। और एक बात, ये 40 साल से यहाँ पर परिवार रहता है, तो कभी कुछ हुआ है आपको, इधर इधर नहीं नहीं कुछ नहीं। तो आप और ऐसे बहुत सारे साहब आपके इधर आए होंगे, तुमच्याकडे आले होते ना, मग तुम्ही घाबरला काय झालं, घाबरला पण तुम्ही काय केलं नाही, सपोर्टच नाही तर बाहेरच घातले, अजूनपर्यंत आम्ही काय मारलेलं नाही आहे। सापाचं हाय इकडे जरा जास्तच वातावरण आहे, सापाचं जागा, पण तुम्हाला काय केलं नाही, तुम्ही तर सापाला काय केलं, बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात। देखो हर बार हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, इतने बड़े बड़े सांप, मुझे तो लग रहा था कि अभी पहले शायद वो पुराने घर में रहते होंगे, लेकिन अभी जो घर बंधा हुआ है आप देख सकते हैं कि ये इतना बड़ा सांप है, मतलब एक ही है ऐसा नहीं है, बहुत सारे सांप यहाँ पर रहेंगे। वातावरण इस तरह से है, तो ये सांप इधर रहने के बाद इन्होंने अभी कहा 40 साल से परिवार यहाँ पर रह रहा है। इन्होंने सबसे बड़ी बात है, सांप ने कुछ किया नहीं, ये तो उसको बताया नहीं जा सकता सांप क्या है, और इनको मैं ये नहीं कहूँगा कि कुछ करेगा ही नहीं, लेकिन अब तक कुछ नहीं हुआ है। दर्शकों को भी बात ये समझनी चाहिए, और उन्होंने भी सांप को कुछ नहीं किया है, मतलब खेत में रहते हैं। दर्शकों से मेरी विनती है, इतनी लाइफ वो सांप के साथ निकाल रहे हैं, आस पड़ोस में इतने सांप है, कुछ नहीं किया है। आप भी ऐसा ही सोचिए, ऐसे अगर कुछ सांप करते रहते तो खेत में सब मुर्दे होते थे, खेत में जाने वाले लोग वापस नहीं आते थे। आप जैसा सोच रहे उतना सांप खतरनाक बिल्कुल नहीं है, हमें उसको समझने की देरी है, वो हमारे मित्र है। हमारे और सांप के बीच में एक डर जो गलत फहमियों से अंधविश्वास से पर्दा तैयार हुआ है वो मिटाने की फुर्सत है, बल्कि हमें सांप अच्छी तरह से क्या है समझ में आएगा। यही अगर लोग अपने आप ये फर्श निकालते थे, स्टिक का इस्तेमाल करते थे या ओपन छोड़ते थे तो सांप यहाँ से निकल जाता था। तकरीबन 6 साल की उम्र का है सांप, बहुत ही बड़ा सांप ये जिंदगी निकाल चुका होगा, और बहुत बड़ा हो सकता है उसके मुँह के हिसाब से, अभी उतना ये नहीं है। और देखो किस तरह से हमें वो डर के ये करते हैं, उसको वो भी सहम जाते हैं बेचारे, और हमें जानबूझकर कुछ नहीं करते। इसलिए हम 17 साल से लोगों को ये देखते आए, लोगों को दिखाते आए, और बार बार कह रहे कि आप जितना डरते उतना डरावना नहीं है, आपका जिंदगी भर हाथ पांव सांप के ऊपर पड़ता है, ये आपको ख्याल रखना है बस। सांप कितना भी खतरनाक कितना भी जहरीला क्यों ना हो, वो आपको जानबूझकर कुछ नहीं करता। इसी तरह की बातें, ये सांप पकड़ना, ये उसको बचाना, काफ़ी बातें आपके साथ शेयर करनी है, ये काम जारी है आपके साथ, और ये डर मिटाने का काम मिशन भी आपके साथ ही पूरा होगा। तो मेरे साथियों, देशवासियों, जो हमारे वीडियो पसंद करते हैं, आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और ये ढेर सारी जानकारी आपके साथ शेयर करनी है। यहाँ पर मैं अभी रुकता हूँ, धन्यवाद।